हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ इनक्लाइंट प्लेन तो ग्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगी इनक्लाइन प्लेन में तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले क्या लिखा है वेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड व्हेन इट गोज़ अप ऑन द सेकंड इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है बॉल इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है इनक्लाइन प्लेन में तो उसकी वेलोसिटी घटेगी ठीक है इफ़ द इनक्लाइनेशन इंक्लीनेशन ऑफ बोथ द प्लेन आर इक्वल देन द मार्बल विल रीच द सेम हाइट विच इट रोल्स डाउन ठीक है तो अगर दोनों की इंक्लिनेसन प्लेन इनकला इन प्लान दोनों हैं इक्वल है अगर वो जैसे ही फोर्स से हमने नीचे भेजा उतने में ही उसी टाइम पे आ रही है वैसे ही वो ऊपर जाएगी मीन्स वो सेम हाइट में ही रीच करेगी जब उसको रोल डाउन भी करेंगे अब भी करेंगे इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज ठीक है इंक्लाइनेशन ऑफ सेकेंड प्लेन इज़ डिक्रीज इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट तो देखो अगर हमने इसकी इंक्लाइनेशन क्या करी घटा दी ठीक है तो क्या होगी चढ़ाई मतलब जो भी है वो घटा दी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा ऑब्जेक्ट और वो ओरिजिनल हाइट पर पहुंच पाएगा इफ द इक्नेशन ऑफ द सेकंड प्लेन इज मेड हॉरिजोनटल अगर इंक्लिनेशन सेकंड प्लेन का मे अगर इंक्लीनेशन क्या करा हॉरिजोटल बना दिया ऐसे करके नीचे को लटा दिया तो क्या होगा द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट तो मार्बल ट्राई करता रहेगा कि मुझे उसी हाइट पर uh, पहुंचना है बट वो पहुंच नहीं सकेगा बिकॉज द प्लेन नाउ द प्लेन इज हिजोटल एंड अनबेलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगी मार्बल्स को मतलब चेंज करने के लिए मोशन चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगी लेकिन कोई भी फोर्स नहीं चाहिए होती है कि किसी मार्बल को यूनिफॉर्मली मोशन में लाने के लिए ठीक है ऐसे सस्टेन नहीं रखना ज़रूरी है ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी यही ग्लीलू का एक्सपेरिमेंट था कि अगर इंक्लाइन प्लेन में अगर मार्बल नीचे जा रहा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी अगर ऊपर की तरफ़ जा रहा है तो कम होगी अगर थोड़ा और हमने उसकी हाइट कम कर दी तो और वो मतलब ढंग से वो ऊपर की तरफ जा सकेगा और अगर हॉरिजॉन्टल में होगी तो वो ट्राई करता रहेगा फॉर एवर क्या ट्राई करता रहेगा कि वो उस हाइट तक उतना डिस्टेंस कवर कर पाए बट वो कर नहीं सकेगा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट